तो गाइस यार, जब भी बात आती है स्प्रे कंट्रोल की, रिकॉइल कंट्रोल की, तो यहाँ पे जो नॉन जायरो प्लेयर्स है ना, उनके लिए एक अलग ही स्ट्रगल रहता है इस गेम में। अब जो जायरो प्लेयर्स है वो तो फट से है ना अपना रिकॉइल कंट्रोल कर लेते हैं, स्टेबिलिटी भी उन्हें मिल जाती है, एक्यूरेसी भी आ जाती है, एंड बंदा वो नॉक ईजिली कर देता है जायरो की मदद से। लेकिन नॉन जायरो प्लेयर्स का भाई इतना ज़्यादा सिंपल नहीं रहता है, यहाँ पे उन्हें बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है एम को बंदे के ऊपर ले जाने में, फिर रिकॉइल कंट्रोल करने में, और फिर वो रिकॉइल जो कंट्रोल हो रहा है ना उसी के साथ उसे स्टेबल रखने में। तो गाइस यार, अगर तुम भी एक नॉन जायरो प्लेयर हो और तुमसे भी रिकॉइल कंट्रोल अच्छे से नहीं होता है, स्प्रे एक्यूरेटली नहीं जाता है, तो ये वीडियो को एंड तक देखना, तुम्हारी बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। शुरू करते हैं आज की वीडियो को विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस, एक अच्छा स्प्रे इनिशिएट करने की सबसे पहली जो स्टेप होती है ना, वो ये होती है कि तुम्हारा जो स्कोप है वो ओपन होने से पहले जो तुम्हारी क्रॉस हेयर है वो बंदे के क्लोज होने चाहिए। लाइक जो बंदा है ना उसी की तरफ तुम देखते हुए होने चाहिए हो, ताकि जैसे ही तुम स्कोप खोलो तो तुम्हें जो है ना एम अपना एडजस्ट ना करना पड़े, इधर उधर ढूंढना ना पड़े तुम्हें कि हाँ भाई स्कोप खोलने के बाद बंदा किधर है। तो उसी से पहले जब भी तुम स्कोप खोलते हो, उससे पहले जो अपना एम है ना, जो क्रॉस हेयर होती है, जो चार बिंदु स्क्रीन के बीच में होते हैं, इनको बंदे के जितना क्लोज हो सकता है ना उतना क्लोज लेके जाओ, ताकि जैसे ही तुम स्कोप खोलो, हो सकता है कि कभी कभी तुम्हारा एम बंदे के सिर्फ और सिर्फ हेड पे घुलेगा, एंड तुम्हें बस स्प्रे फायर करना है। फिर गाइस, इस क्लिप में तुम देख सकते हो यही चीज़ मैं फॉलो कर रहा हूँ। जहाँ पे भी मुझे लगता है ना कि मुझे अभी फायर करना है, जहाँ पे मुझे बंदा दिखता है, मैं सिर्फ और सिर्फ वहीं पे अपना क्रॉस हेयर रखता हूँ, एंड जैसे ही मुझे फायर करना होता है बस मैं स्कोप खोलता हूँ, एंड यहाँ पे बूम स्प्रे हमारा जो है हम कंटिन्यू कर सकते हैं। एंड बाय द वे गाइस, अभी तक तो तुमने नोटिस ही कर लिया होगा कि यहाँ पे जो मेरा जाहिर स्कोप है ना, करंटली ट्रेनिंग राउंड में मैंने ऑफ कर रखा है, ताकि तुम बेटर तरीके से समझ पाओ। अब गाइस, अगर तुम्हें पता नहीं है तो मैं बता देता हूँ कि मैं एक नॉन जायरो प्लेयर नहीं हूँ, मैं हमेशा फुल जायरो खेलता हूँ, फुल सेंसिटिविटी पे खेलना पसंद करता हूँ। वैसे मैं गाइस, जब भी नॉन जायरो के ऊपर मुझे कोई वीडियो बनानी होती है और मैं ट्रेनिंग ग्राउंड में आके थोड़ा सा प्रैक्टिस करता हूँ नॉन जायरो, तब मुझे पता चलता है कि जब भी अगर एक्यूरेट स्प्रे मारना होता है ना नॉन जायरो में, तो हमेशा वही देखो एम हेड पे ना करके बॉडी पे करना चाहिए, ताकि जैसी तुम फर्स्ट गोली अपनी फायर करते हो और फर्स्ट गोली चलने पे तुम्हें पता है यार थोड़ा सा हमारा एम हमेशा ऊपर जाता है, तो वो जो बॉडी पे हमने एम किया था ना वो ऑटोमेटिकली हेड पे चले जाता है, एंड देन हमारा जो उस पर है ना थोड़ा सा एक्यूरेट हो जाता है, हेड जो है ना हमारे पड़ जाते हैं थोड़े से। तो ऐसा जो भी नॉन जायरो प्लेयर्स है ना गाइज, अगर मैं गलत बोल रहा हूँ या फिर मेरा पॉइंट यहाँ पे गलत है, तो प्लीज़ मुझे नॉन जायरो प्लेयर्स गाइड करना एंड बताना मुझे कि तुम्हें इस चीज़ के बारे में क्या लगता है। बट गाइज देखो, ट्राई करने में कुछ नहीं जाता है, अगर मैं सही भी बोल रहा हूँ तो यहाँ पे तुम एक बार ट्रेनिंग ग्राउंड में जाके ना इसे ट्राई करो। अगर तुमसे स्प्रे अच्छे से कंट्रोल नहीं हो रहा है, तुम हमेशा बंदे के हेड पे एम करते हो एंड तुम्हारा एम जो है ना ऊपर ही भागते रहता है, तो बॉडी पे एम करो एंड तुम्हारे जो हेडशॉट्स है ना वो होपफुली जो है कनेक्ट हो जाएंगे। कमेंट सेक्शन में बताना अगर ऐसा होता है। तो गाइस, अब जो नेक्स्ट स्टेप रहती है ना, वो रहती है हमारी रिकॉइल को कंट्रोल करना। अब यहाँ पे दो चैलेंजेस हमें बेसिकली फेस करने पड़ते हैं। सबसे बड़ा चैलेंज जो होता है ना वो हॉरिजॉन्टल रिकॉइल का रहता है, एंड देन थोड़ा बहुत जो चैलेंज हमारा जो वर्टिकल रिकॉइल है ना वो भी देता है हमें। अब वर्टिकल रिकॉइल तुम्हें समझाता हूँ क्या होता है। वर्टिकल रिकॉइल होता है जब भी तुम फायर करते हो तो तुम्हारी जो गन ऊपर की तरफ भागती है ना, उसे हम बोलते हैं वर्टिकल रिकॉइल। एंड जब भी तुम फायर करते हो, स्प्रे मारते हो और तुम्हारी गन लेफ्ट एंड राइट बहुत ज़्यादा हिलती है, एम अच्छे से नहीं हो पाता है, वो तुम्हारा हॉरिजॉन्टल रिकॉइल होता है, उसी के कारण ऐसा होता है। तो ये दोनों रिकॉइल्स तुम्हें कैसे कंट्रोल करने हैं, तो गाइस यहाँ पे देखो, सबसे बड़ी जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ना वो तुम्हारी सेंसिटिविटी होती है, और सेंसिटिविटी की वीडियो आने वाली है बहुत जल्दी, और यहाँ पे तुम्हें थोड़ा सा मैं गाइड कर देता हूँ कि तुम्हें कैसी सेंसी बनानी है अपने लिए। तो गाइस, क्योंकि अपन नॉन जायरो पे रिकॉइल कंट्रोल की बात कर रहे हैं, तो सिर्फ और सिर्फ एडीएस की जो सेंसिटिविटी है ना वो मैटर करती है किसी भी रिकॉइल को कंट्रोल करने में नॉन जायरो पे। गाइस देखो, 3x की, 4x की या फिर 6x की हमारी जो सेंसी है ना वो 30 से नीचे तुम्हें कर लेनी है, ताकि जो तुम्हें स्टेबिलिटी है ना वो ज़्यादा मिले, तुम रिकॉइल कंट्रोल कर भी पाओ। अब बहुत सी बार क्या होता है, हम बहुत कम सेंसी कर लेते हैं ना तो भाई रिकॉइल ही कंट्रोल नहीं होता है, एंड बहुत ज़्यादा ही सेंसी कर लेते हैं तो भाई फिर पूरा मतलब शेक ही हो जाता है स्कोप। तो 30 से अगर नीचे तुम रखते हो ना, मैंने अभी जितने भी स्प्रेस तुम्हें दिखाया ना वो 25 सेंसी थी उसकी एडीएस की। तो अभी तुमसे वेट अगर नहीं हो रहा है और तुम खुद की सेंसी बनाना चाहते हो, तो गाइस एक छोटी सी टिप तुम्हें दे देता हूँ। अगर तुम्हारा फोन छोटा है, लाइक तुम्हारे फोन की स्क्रीन छोटी है, तो एडीएस की जो सेंसिटिविटी है ना उसको तुम्हें जो है 25 से ज़्यादा करना है, 30 से ज़्यादा करना है, क्योंकि तुम्हें भी पता है तुम्हारे पास स्क्रीन छोटी है तो तुम ज़्यादा फिंगर को रब नहीं कर पाओगे। तो जितना टाइम तुम कर सकते हो ना उसमें तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा रिकॉइल कंट्रोल करना है। तो ऐसे में सेंसी तुम ज़्यादा भी करके रख सकते हो, लाइक 40 कर सकते हो या फिर इवन 45 भी कर सकते हो। तो ऐसे में ज़्यादा सेंसी करनी है अगर तुम्हारा फ़ोन छोटा है, लेकिन अगर तुम्हारा फ़ोन बड़ा है या फिर तुम आईपैड वगैरह टैबलेट वगैरह पे खेलते हो तो सेंसी कम रखना, क्योंकि तुम्हें भी पता है तुम्हारे पास स्क्रीन बहुत सारी है, तो अगर तुम ज़्यादा नीचे भी खींच पाओगे ना तो तुम्हारे पास जो लो सेंसी है ना, जो कम सेंसी तुमने कर रखी हो, ज़्यादा अच्छी रहेगी तुम्हारे लिए। तो यार गाइस, यार यही थी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स नॉन जायरो प्लेयर्स के लिए। आई नो मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं यार नॉन जायरो प्लेयर्स के,
कि म्यूट भाई नॉन जायरो वालों के लिए यार अलग से वीडियो बनाओ, तो डेफिनेटली गाइज बनाएंगे उस पर भी वीडियो। एंड मैंने एक ही वीडियो भी स्पेसिफिकली नॉन जायरोस के लिए बनाई है जिसपे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स हमने दिया, एंड आई होप इस पर भी अच्छा रिस्पॉन्स आएगा। और अगर आता है तो डेफिनेटली और वीडियोज नॉन जायरो सिर्फ और सिर्फ नॉन जायरो प्लेयर्स के लिए डेफिनेटली आने वाली है। तो या अभी तुम गेम प्ले इंजॉय करो, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कोई भी डाउट हो, कोई भी नई टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन खुला है यार, वहाँ पे जाके तुम खुला एकदम बता सकते हो, सारे कमेंट्स पढ़ता है तुम्हारा भाई। तो गेम प्ले इंजॉय करो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, लव यू गाइस, कीप ग्राइंडिंग। हेलो बहन के लड़के तो सुन ले। छोटो भाई आपके पीछे ये घर में आ गया, क्लियर होने जा रहा है। नाइस।